दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और हम लोग भी यहाँ पे बहुत ही मस्त हैं। और सारा काम हो चुका है, अभी टाइम हो रहा है 4:20 के अराउंड हो रहा है, शाम हो रही है और बच्चों को नीचे पार्क में ले जाने का टाइम हो रहा है। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा जो डिनर में अगर कुछ रहता है दोपहर का तो वो चलता है, और जो बनाना होता है उसकी तैयारी मैं अभी से थोड़ी कर लेती हूँ। तो आजकल पार्क में जाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, नीचे जाके हम लोगों का थोड़ा ओपन स्पेस है तो हम लोग सनसेट भी देखना बहुत पसंद करते हैं, तो वो हम लोग रेगुलर ही ट्राई करते हैं कि कर लें। और नीचे बच्चे भी काफ़ी मिल जाते हैं, साइकिलिंग हो जाती है, वेदर बहुत अच्छा है। सिर्फ यही एक चीज़ है कि बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, मतलब थोड़े से पहन के जाने पड़ते हैं, फिर आके निकालने पड़ते हैं क्योंकि घर में उतनी ठंडी तो है नहीं। तो यही है, हम लोग अभी चल रहे हैं नीचे। उसके पहले मैं क्या करूँगी, आज मैं ट्राई करूँगी, आज ही वीडियो आई है संभावना सेठ की और मैं ट्राई करूँगी उसके पनीर के पराठे। मुझे उसकी कुकिंग पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती है और ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत ही इजी है और मेरे बच्चे इतने बड़े फ़ैन हैं उसके, और उसकी जो रेसिपी आती है ना तो तुरंत बोलते हैं कि मम्मी ये बनाओ, तो टालने का तो कोई सवाल ही नहीं। पराठे तो हम भी बनाते हैं लेकिन उनकी जो रेसिपी आई वो बहुत ही इजी लग रही है मुझे। चलती हूँ पराठे की तैयारी कर लेती हूँ, फिर आके मुझे पराठा बनाना होगा क्योंकि जब गर्मा गर्म खाया जाएगा शाम को 6 बजे 7 बजे के पहले हम लोगों का डिनर भी हो ही जाता है, तो आज बनता है पराठा बनाना। और चलिए शुरू करते हैं। पनीर कैसे मैं बनाती हूँ मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देती हूँ। और उन्होंने तो बस पराठा बनाया था और पनीर जो उनका घर का था, मतलब मार्केट का होगा, तो मैं पनीर जो है ना वो घर पे बनाती हूँ। बहुत ही अच्छा पनीर बनता है यहाँ पे, ऐसे एनी टाइम आपको पनीर नहीं मिल सकता, तो फ्रोजन सेक्शन में मिलेगा तो वो पराठे बनाने के लिए सही नहीं है, तो इससे अच्छा है कि मैं घर में ही बना लूँ। तो फिर चलती हूँ बनाती हूँ, बहुत ही मज़ा आता है। एक्चुअली मेरा बेटा बोलता है कि आपके बाल भी वैसे ही घुंघराले संभावना सेठ जैसे तो मुझे पता है ऐसे बाल, मतलब कंघी करो ना करो कुछ पता ही नहीं चलता है। और ऐसे ही सच में उसके बाल थोड़े घने हैं, मेरे तो कम हो गए हैं, और लेकिन फिर भी यही है। और मेरे बेटे दोनों बहुत ही बड़े मैम के फ़ैन हैं, संभावना सेठ मैम के, तो कभी वो मेरी वीडियो देखें तो उनको पता चले कि मेरे बच्चे उनके कितने बड़े फ़ैन हैं। वैसे सभी हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सब कुछ शुरू करने के पहले सबसे पहले आपको किचन में आना होगा, किचन में आके आपको दूध लेना होगा पनीर बनाने के लिए। तो आपके आपको गैस के पास आना होगा और फिर शुरू करते हैं। ये देखिए मेरा घी, ये 1 लीटर है, ये आधा किलो है, तो इतना घी निकला है 4 क्यूब्स में। वो क्यूब्स जो थे वो आपने देखा था ना, 400 400 ग्राम्स के, एक जो था दूसरे वाला ब्रांड वो 500 ग्राम्स का था, और जो पता नहीं आप देख लीजिएगा वीडियो। मेरी फ्रिज भी बोलने लगी तो मैं फ्रिज को ऐसे करती हूँ बंद, और मेरी फ्रिज हो गई है बंद और मैं शुरू करती हूँ वीडियो। शोर सुनाई दे रहा है आपको, मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्या हो रहा है वहां पे। इस पानी में मैंने 2 चम्मच विनेगर डाला है और 1 कटोरी पानी भर के था, और इसमें मैं दिए, ये देखिए ये पूरा हमारा पनीर जो है उसका शेप आने लगा है। ये देखिए, ये देखिए दूध पतला हो गया है और ये हमारा जो पनीर है वो अलग होने लगा है। बस ये देखिए यहाँ पे पूरा शेप आ गया है पनीर का, और बहुत अच्छा पनीर बन जाता है आप इस मेथड से बनाइए। और इसको मैं अभी छान लेती हूँ। ये देखिए मैं जल्दी में ना कपड़ा लगाना भूल गई, और कपड़े से बहुत अच्छा आप ड्राई कर सकते हो, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ही हो जाएगा ये, तो मैंने बस इसमें निकाल के पनीर का जो ये बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे डाल रहे हैं हम अजवाइन जो उन्होंने डाला था और बोला था कि ये पाचन के लिए बहुत अच्छा है, तो ये मैं अजवाइन डाल दी हूँ। ऐसे ज्यादा हो जाएगा क्या, थोड़ा कम कर देते हैं ना, इतना ही डालते हैं अजवाइन, थोड़ा सा।
आप तो उनकी जैसे बोल रहे हो मम्मी, उन्हीं के जैसे। दिन भर उन्हीं को देखते हैं तो उन्हीं का असर हो जाता है। और थोड़ा सा जीरा पाउडर और जीरा पाउडर मैंने डाल दिया है। मिर्ची पाउडर मेरे पास नहीं है दोस्तों, और ग्रीन चिली भी नहीं है दोस्तों मेरे पास। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। और ये देखिए प्याज मैंने एकदम बारीक कट कर लिया है, उन्होंने तो हाथ से काटा था यार, मैं कभी हाथ चलाना ही भूल चुकी हूँ प्याज के लिए। तो ये मेरा चॉपर बहुत अच्छा है। और ये देखिए दोस्तों धनिया की पत्ती गई है बहुत अच्छी सी। ये जो है पनीर का पराठे का ये जो मिश्रण तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये देखिए इसको ऐसा रहना चाहिए, और देखते हैं बनाने के बाद कैसा होता है। अगर फट गया तो सारा जो इल्ज़ाम है वो संभावना सेठ पे जाएगा, मेरा कुछ नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा मैं मसल दे रही हूँ मुझे लग रहा है, हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आटा बनाते हुए उन्होंने नहीं दिखाया था, लेकिन मैं दिखा दे रही हूँ आपको, आप देख लीजिए सीख लीजिए थोड़ा, कि आटा जब भी पराठे का बनाएं तो उसमें थोड़ा सा घी थोड़ा सा नमक डाल दें तो अच्छा पराठा बनता है। तो बस जरा सा पर वो मैंने नमक डाला है और जरा सा घी। हाँ तो दोस्तों मैं अब भी मिलती हूँ आपसे बाद में बनाने के बाद। और यहाँ पे मेरी बहुत ही अच्छी सी चाय बन रही है जो अंश बना रहे हैं, अदरक वाली एकदम मस्त वाली। तो बस पराठे और चाय के मज़े लिए जाएंगे, हस्बैंड भी ऑफिस से आने वाले हैं तो उनको भी सरप्राइज दिया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा मैंने पैन भी चढ़ा दिया है, और जैसे लग रहा है कि ग्रेनाइट पे मैं बना रही हूँ तो सेम टू सेम उनके जैसा मैंने पैन भी चढ़ाया हुआ है, ट्राई किया है। और ये मेरा पनीर और ये मेरा आटा बन गया है, ये मेरा चौका है और ये बेलन। वाओ ये क्या है अंश तुम्हारे हाथ में? लाइटर है, इसको इससे गैस ऑन करते हैं। और सारा कमाल जो है ना ये हम और अंश आज कर रहे हैं। पापा ऑफिस में है, अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए हैं, और शाम हो गई है, हम लोग उनको सरप्राइज देंगे। हाँ अभी 6 बज गए हैं और बस आने वाले हैं, और चाय बन गई है। और तो दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे ऐसे गोला बना लीजिए, ऐसे जैसे बनाया जाता है गोला, आप समझते हैं ऐसे आटे का गोला बना लीजिए, पूरा गोला होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए जरा भी। हाँ एकदम गोला सा बना लीजिए और उसको ऐसे ऐसे कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों अच्छे से आप पनीर को ऐसे भर दीजिए, और मुझे क्या लग रहा है कि मेरा जो पनीर है वो गीला हो गया है इसीलिए। इसीलिए कहा जाता है ना कि कोई डिश आप डायरेक्ट वीडियो में बना रहे हो तो एक बार पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड होना चाहिए। ये हम लोग पहली बार कैमरे के ऊपर ही ट्राई कर रहे हैं। ये इसलिए हुआ ना क्योंकि मैंने पनीर घर में बनाया और उसको कपड़े में नहीं निकाला ना, तो पनीर मेरा जो है ये देखिए दोस्तों। आटे को आप पनीर जैसा ही गीला करिए, जो मतलब आटा और जो उसकी फिलिंग होती है ना उसको एक बराबर रहेगा, जैसे आटा कड़ा नहीं होना चाहिए तो बढ़िया बनता है। ये देखिए ऐसे दबा दबा के आप भर सकते हैं इसको, ऐसे 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 बड़ा कर सकते हैं इसको हाथ से भी। ये देखिए और बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों आप। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो पराठा है वो बहुत ही हल्की आंच पे आप सेकिए, एकदम क्रिस्पी बनना चाहिए जैसा कि उन्होंने बताया था। ये देखिए एकदम मस्त दबा दबा के आप उसको सेकिए। दोस्तों ये देखिए
ये जो पराठा बन रहा था ये कैसे संभावना सेठ के पराठे से मेरे पराठे में कन्वर्ट हो चुका है। मैं क्या करती हूँ, आलू पनीर जो भी होता है ना वो आटे के साथ ही गूंथ लेती हूँ, और ट्रस्ट करिए बहुत ही अच्छा बनता है ऐसे भी। तो मुझसे भरने वाला जो काम होता है ना वो बड़ा मुश्किल लगता है, तो मैंने लास्ट में 4-5 पराठे बना लिए और उसके बाद मैं ऐसा कर दी हूँ। इसको आराम से आप बेल सकते हैं। अब इसमें खूब सारा पनीर भी है, थोड़ा सा वही जो आटा था उसमें मैंने दोनों को मिक्स कर दिया और सूखा आटा मिला के मैंने बेल, ये ऐसे गोला बना के ऐसे हम बेल लेंगे रोटी की तरह। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, आप इसको बेलिए कितना भी पतला, इसको बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। और जो भरा वाला बेल रहे थे उसको तो लग रहा था भाई कहाँ से बम फूट जाएगा पता ही नहीं। ये देखिए, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा तरीका लगता है, और आप पतला भी बेल सकते हो और मस्त पराठे आपके रेडी हो जाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा दूसरे टाइप का पराठा बन रहा है। ये देखिए कितने इजीली आप एकदम पतला सा पराठा इसको बना सकते हो, और कहीं से भी ये कम नहीं है। ये आप समझ लीजिए मेरा स्टाइल है, तो ये मुझे बहुत इजी लगता है, फटाफट बना सकते हो। चाकू से ऐसे कट करेंगे। हाँ तू नहीं, ये देखे वाह, दम लगा के, दम लगा के बाबू। हाय ईशा। हाय ईशा। और ये देखे नजदीक आओ अंश, मैं उन्होंने जैसा पराठा दिखाया था मैं भी बता रही हूँ आपको। वाह, ये देखे, ओह माय गॉड, मस्त लग रहा है ना। सो गुड। अरे कैसा है संभावना आंटी का रेसिपी है। मुझे भी थैंक यू। वाह यार मस्त बना, एकदम मस्त। इसको और भी क्रिस्पी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को खाना था ना, मैंने कम क्रिस्पी किया, लोगों को ऐसा ही पसंद है। तो कितने नंबर दोगे अंश? अगर 10 से ना तो अपने नाम 10 मिलेगा आपको। वाह, हमें नहीं दो, संभावना आंटी को दे दो। हाँ उनको भी, आपको भी ना। उनको काश वो हमारी वीडियो देख ले। हाँ और तुम लोग कितने बड़े फैन हो उनके, ये पता चल जाए। लैपटॉप पे सब्सक्राइब किया है? वाह आंटी को सब्सक्राइब किया आपने, उनको पता भी नहीं है? नहीं, वो कोको चेरी को पता है, बेल आइकन भी प्रेस किया। वाह वद्दू, देखो वो मैं ऐसे कहा था वो लगा। तो आप लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं हमको भी सब्सक्राइब किया और बेल आइकन भी दबाइए। वो फ्रेंड्स ने वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स ने वीडियो बनाया है? आज तो के फ्रेंड्स आए थे। तो कैसा मजा आया बाबू? वो मजा पराठा खा के मजा आया। अद्दू एकदम मुंह में भरे जा रहे हैं। अद्दू थोड़ा रुक रुक के खाओ, एकदम सॉफ्ट है ना, बहुत ही अच्छा है। ये अंदर का दिखाओ थोड़ा खोल के, ये देखिए अच्छा है। अच्छा। तो दोस्तों मैंने बहुत ही गर्मा गर्म पराठा बनाया था, मतलब 6-7 बजे मैंने बोला था कि बन जाएगा और खा लेंगे, और हस्बैंड मेरे जो है ना कभी लेट नहीं आते हैं, तो दोस्तों आज बहुत ही ज्यादा लेट आए हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:30, आप इतना लेट आए हो और मैंने इतना अच्छा पराठा बनाया। आपने कितना मजा लिया पराठे का? कुछ नहीं, कैसा लगा? नहीं अच्छा लगा, थोड़ा उसको हीट करके खाया हो ना। मैंने थोड़ा जो आटा लास्ट में बचा था तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है, तो इनको सुबह बना के दूंगी और टिफिन भी हो जाएगा इनका। गर्म करके खाने में वो मजा नहीं है, ठंडे वाले को गर्म करके खाए ना, कैसे बोलते हैं? हाँ, ठंडे वाले को गर्म करके। और मैं इनको फोन करके कह रही हूँ जल्दी से आओ, मुझे वीडियो की एंडिंग करनी है। मैं बच्चों से एंडिंग करा लूँ क्या? कह रहे नहीं नहीं संभावना सेठ वाला वीडियो है, मैं एंडिंग करूंगा। तो दोस्तों ऐसा हुआ मेरे साथ आज। मैं जल्दी ही आना चाह रहा था लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल था, लेट हो गया यार।
आज कॉन्फ्रेंस कॉल था दोस्तों इनका, तो पराठा कैसा लगा बाद में ये बताओ। पराठा अच्छा लगा? अच्छा था, कौन सा अच्छा लगा, मेरा वाला कि उनका वाला? ये आपका वाला। ओहो, तो चलिए दोस्तों आपको ये कंपटीशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और मेरे सारे वीडियोस देखिए, और ये वाली कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। हम लोग बहुत बड़े फैन हैं उनके, बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं उनको, उनको उनके हस्बैंड को। तो काश ये वीडियो उन तक पहुंच जाए, कभी वो देख लें। हाँ पहुंच जाएगा, अगर वो देखना तो, चाहेंगे तो देख सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और क्या और क्या, सब्सक्राइब, बहुत नींद आ रही है दोस्तों मुझे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और संभावना सेठ को हो सके तो उनके पास पहुंचा दीजिए हमारी वीडियो। और मिलते हैं बाद में। राम राम जी, बाय 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 बाय, टेक केयर।